ये खबर ऐसी है कि आपके दिल को झोड़ देगा एक ऐसी खबर जो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है जी हाँ अभी विनोद नारायण झा सामूहिक हत्याकांड से उभरे भी नहीं थे कि दूसरी घटना उनके घर में ऐसी घटी जो आप सोचकर हैरान रह जाएंगे जी हाँ ये खबर उनके भाई से जुड़े हुए जहाँ प्रेम विवाह किया और उसके बाद उस महिला को छोड़ दिया

सत्ता का नशा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सत्ता और पावर उनके पास है तो थाना उनके इशारों पे नाचेगा इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल करना पड़ा है विनोद नारायण झा के छोटे भाई माधव झा ने एक ज्योति नाम की लड़की से प्यार किया वो लड़की का ननिहाल है बेनीपट्टी गांव में जहां वो पहुंची थी घंघोड़ गांव में और उसको एक कार्यक्रम में पहुंची तो माधव झा ने उसे प्रपोज किया और प्रपोज करने के बाद कुछ ही दिन के बाद उसे चंडीगढ़ में जाकर उससे शादी रचा ली लेकिन जब शादी रचा ली तो उसे अपनाने में क्यों इसे परहेज किया जा रहा है और मैं बालिक मेरा ये है कि, कि किसी भी लड़की के साथ कोई भी अन्याय नहीं होना चाहिए जिस तरीके का अन्याय मेरे साथ हो रहा है माधव चा के साथ मेरा विवाह 2019 में तीन जुलाई को चंडीगढ़ में हुआ था जिस दौरान मैं पढ़ रही थी हमारी लव मैरिज थी मेरे मंदिर में उनसे शादी की थी जिसके बाद मैं यहाँ उनके घर आई तो उन्होंने मेरे साथ आप देख सकते हैं बिल्कुल हाथ पे निशान ये सिर पे चेहरे पे निशान देख सकते हैं पूरे पीठ पे, पे निशान मेरे बिल्कुल उनके मार पीट के निशान है ये जो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है पूरी रात कल पूरी रात मारपीट की बाबूबाड़ी थाना में कंप्लेंट की है बाबूबाड़ी थाना के कंप्लेंट से कोई वहां से आने की कोशिश नहीं कर रहा है सारे ऑफिसर्स को वहां से भगा दिया गया माधव जी मेरे हस्बैंड हैं बट वो मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं वो लड़की इंसाफ के लिए वो महिला इंसाफ के लिए दर-दर भटक रही है पूरा गांव घूम रही है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है और जब थाने के बाबूबरी थाने अंतर्गत थाने में गई और एफआईआर दर्ज की तो थाना एफआईआर लेने से पहले पहले विनोद नारायण झा के घर पर जाकर थाना प्रभारी सलामी दागते हैं उसके बाद भी थाना प्रभारी कहते हैं कि आप लोग का पारिवारिक मामला है और परिवार में सुलझा लें जैसे कि विनोद नारायण झा की वजह से मुझे बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है क्योंकि वो विधायक के भाई हैं अगर वो एक विधायक के भाई हैं तो क्या एक लड़की समाज के लिए लड़ नहीं सकती है क्या उस लड़की को इंसाफ नहीं मिल सकता है मैं आज चार दिन से रोड पे बैठी हुई हूँ धरने में भूखे प्यासे हम लोग बैठे हुए हैं लेकिन मुझे कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा है रात में भी मेरे साथ मारपीट की गई जिसका मैंने आपको विंस दिखाया है बिल्कुल आप ये लोग आप देख सकते हैं बिल्कुल कट्स के निशान यहाँ पर आप देख सकते हैं और बिल्कुल मेरी पूरी फिटनेस स्वेलिंग है आप मेरे सिर पर निशान देख सकते हैं जिससे उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और उसके गवाह हैं थानेदार और आज थानेदारों ने बिल्कुल कहा कि उनको रोड पर छोड़ दिया जाए और वहाँ से निकल जाया जाए लेकिन उनके परिवार में सुलझा नहीं बल्कि और उलझ गया लड़की ने पूरी तस्वीर दिखाई और जिस तरह से वो शादी की वो सारे डॉक्यूमेंट मीडिया के सामने रखे लेकिन कुछ अखबार वालों ने भी उनकी खबर को तरजी नहीं दी जिस वजह से इतने दिन में मीडिया दो दैनिक जागरण दैनिक भास्कर दो आ चुके हैं लेकिन कोई न्यूज नहीं छापी गई मिथिला मिररल भी यहाँ पे आए लेकिन कुछ नहीं किए क्यों क्योंकि मिथिला मिरर मामा उनके मामा जी थे और उनकी मासी के भागिन थे अगर रिश्तेदार ही न्यूज चैनल तो के पास को कहा जाए कि एक तरफ बीजेपी के नेताओं का सीधे तौर पर कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन जब अपने ही घर में आग लगी तो उसे बुझाने के लिए कोई नहीं पहुंचा। ये महिला दर दर भटक रही है पूरे घंगोड़ गांव में घूम रही है और सिर्फ इंसाफ के लिए कि माधव झा के साथ वो रहना चाहती है क्योंकि उससे प्यार करती है से पैसे की मांग करने लगे ये पच्चीस लाख की मेरे से मांग करने लगे उसके बाद मारपीट करने लगे अगर इस तरीके से गंगोर समाज चलता रहा और इस तरीके से बिहार में होता रहा तो कितनी बेटियां मरेंगी कितनी बेटियां अपने बेटियाँ आग लगा के मरेंगी आज मैं अपने आपको अगर आग लगा के मर जाऊँ तो इसका जवाब सरकार देगी कि उन्होंने क्यों नहीं फैसला लिया बीजेपी के विधायक देंगे विनोद नारायण झा इसका जवाब विवेक कुमार झा इसका जवाब देंगे युवा नेता होने के कारण उनको पता होना चाहिए कि एक युवा की वैल्यू क्या है अगर आप एक लड़की की वैल्यू नहीं करते तो आप किसकी वैल्यू करेंगे